हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने मोटरोला रेजर 40 अल्ट्रा एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है टच साउंड सेटिंग को अपना डिसेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑफ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये टच साउंड सेटिंग जो है डिसेबल करने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करेगी, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा नीचे की साइड, ये साउंड का साउंड पे सिलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा टच साउंड। टच साउंड इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको टैप करना है, ठीक है। तो ये बटन आपका जो है ब्लैक कलर में इस तरीके से ऑफ हो जाएगा, यानी कि आपकी टच साउंड सेटिंग इस तरीके से डिसेबल हो जाएगी। अब ये टच साउंड सेटिंग जो है डिसेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करेगी ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने अपने मोबाइल फ़ोन में कोई सा भी पेज ओपन कर रखा है या फिर किसी भी ऐप को आपने ओपन कर रखा है, तो अगर आप उसमें जो है ना किसी भी ऑप्शन को या किसी भी बटन को अगर आप टच करेंगे ना, तो आपके मोबाइल फ़ोन से साउंड की आवाज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सेटिंग जो है ना इस तरीके से काम करेगी आपके मोबाइल फ़ोन में। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप इस टच साउंड सेटिंग को अपने मोबाइल फ़ोन में आप शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो आपके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज है, सेटिंग पेज को आपको फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा सर्च सेटिंग का, इसे आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सर्च बार में टाइप करना है टच साउंड, ठीक है। जो सेटिंग का नेम है आपको यहाँ पे टच साउंड टाइप करना है इस तरीके से। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा टच साउंड का इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे ना, तो आपको नीचे की साइड ये इस तरीके से ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब यह ऑप्शन नीचे की साइड में शो हो जाता है तो इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली सेटिंग में लेकर आ जाएगा और इसे हाईलाइट करेगा। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।